स्कूटी कभी भी जब चलाते हैं तो ये जो पत्ती पर हाथ होता है, ये देखिए, ये ऐसे होना चाहिए कि ये पूरा पत्ती पर जोर एक बराबर पड़े। ये देखिए, ये मेरा हाथ, ये देखिए उंगली, देखिए कैसे। हाँ, ये कचरा आ गया थोड़ा सा, इसको साफ कर लेते हैं साथ के साथ। जो देखिए पत्ती होती है, पत्ती को देखिए इतना तिरछा रखना होता है। देखिए ये कैसे चल रहा है पत्ती। अब एक बार ऊपर चढ़ा दिया, एक बार ऐसे नीचे। पुट्टी जो होती है, पुट्टी को बिल्कुल सीधा खींचना होता है ऐसे। ये नहीं कि कभी ऐसे मार दिया या ऐसे मार दिया, ऐसे कर दिया या ऐसे ऐसे खींच दिया ऐसे, ये ऐसे नहीं करना होता। पुट्टी कभी भी ऐसे सीधा चलाओ। ये आपको ब्रिक ब्रिक छेद दिख रहे होंगे, ये छेद दिख रहे हैं। इसको हम कहें कितना भी ऐसे कर लें, देखो ये छेद नहीं ढका। अब इसको हम एक बार ऊपर से नीचे मारेंगे तो ये छेद ढक जाएगा। ये देखो ये सारा छेद ढक गया। ये नियम होता है, अगर छेद दिख रहा है तो ऊपर से नीचे कर दो, नहीं तो ऐसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो धारी आ गया, तो कभी भी जैसे जो नए कारीगर होते हैं, जो नए काम सीख रहे हैं, तो जो पत्ती होता है, पत्ती को हल्का सा यहां से, जैसे अभी यहां से हम इधर को चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पत्ती को ऐसे इस सिरे से उठाकर रखना है, बिल्कुल एक सूत। ये जो निशान दिख रहा है, ये लाइन, ये कवर हो जाए। देखो कवर हो गया थोड़ा सा, बाकी जैसे जैसे पत्ती पर हाथ आपका बैठ जाएगा वैसे आपको पता भी नहीं लगेगा भी आपका हाथ उठा है कि नहीं उठा, उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हाथ सेटिंग में बैठ जाएगा। फर्स्ट कोट कम से कम 1 mm का होना चाहिए, ये नहीं कि इससे ज्यादा भी मोटा नहीं और इससे ज्यादा पतला भी नहीं। ज्यादा मोटा करेंगे तो लेवल खराब हो जाएगा, अगर ज्यादा पतला करेंगे तो डबल कोट में फिनिशिंग नहीं आएगी। ये जो घर है कम से कम 6-7 साल पुराना बनाया हुआ है, तो प्लास्टर जो थोड़ा है यहाँ पर दिख रहा है, ये सब थोड़ा झड़ भी रहा है, प्लास्टर कमजोर हो गया प्लास्टर। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये हमने इतना कर दिया है, अब देखो अगर इसके नीचे मारना है तो मैं आपको नीचे भी बताता हूँ। ये थोड़ा मिट्टी लगा, इसको साफ कर लेते हैं। वैसे तो अब इसका धार हमने बना दिया है, इसके ऊपर ज्यादा वो करेंगे तो इसका जो धार होगा वो खराब हो जाएगा, तो इसको सफाई करने के लिए दूसरा पत्ती ले रहे हैं हम। अब यहां तक दोस्तों हमने कर दिया है, अब इसके नीचे से करने के लिए हम यहां से पकड़ेंगे। कहां से? यहां से। ऐसे नहीं किए ऐसे, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे रखा, ये यहां पर ऐसे चढ़ा दिया। जो पत्ती है, पत्ती को पूरा बराबर चलाना होता है। अब देखिए, अब माल बिछा दिया मैंने, अब इसको एक तरफ से खींच लो ऐसे।
अब जो सबसे लास्ट में है ये वाला एरिया, अब यहाँ पर पट पट चला देना है नीचे, क्योंकि नीचे तो ये इन्होंने टाइल लगवाने नहीं है, प्लेन प्लास्टर करवाया है। अगर टाइल लगाना होता तो इतना छोड़ देते हैं स्कर्टिंग के लिए। अब ऐसे ही नियम होता है ये ऊपर के लिए, ठीक है। यहां पर तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर के लिए भी आपको बताते हैं, घोड़ी लेकर आते हैं, रुकिए। अब ऐसे इतना हमने पुट्टी कर दिया, अब इसको ऐसे नहीं कि ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचने के खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, जो हमने फाइनल करना है इसको ऊपर से लेकर नीचे तक इसके ऊपर पुट्टी चढ़ना चाहिए। ये देखिए ये ऐसे ऐसे तो ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन जो इसको फाइनल टच करना है, इसको फिनिशिंग देना है, वो ऊपर से नीचे ले आना है, ठीक है जी। ये देखिए ऊपर से नीचे आएगा, ये जो धारी आ रही है हल्का सा, जैसे मैंने आपको बताया था पत्ती उठाकर रखना है, उम्मीद है दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि सिंगल कोट कैसे करते हैं। बाकी डबल कोट में भी ऐसे ही होता है, जैसे सिंगल कोट में हमने खड़ा मारा, डबल कोट में हम इसको पट मारेंगे। और एक और वो पट वाला मैंने रूल बताया हुआ है अपने पिछले वीडियो में, वो वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि पट को कैसे करते हैं।